पहले तो वो फोन आते थे, पहले फोन पे तो पैसे लगते थे, 8-9 रुपए तो कॉल के लगते थे। उस वक्त फोन शायद सबके लिए महंगी चीज थी, तब यानी पूरे जो हाई फैमिली थी वही यूज करते थे। लेकिन आज तो इतना यूज एंड थ्रो हो गया है, अपना देसी यूज एंड थ्रो हो रहा है। देखो हर एक चीज अपन यूज फुल करके छोड़ दे रहे, इसकी वजह से ये जो साइबर फ्रॉड है वो आगे आ रहा है। अभी सबके पास स्मार्टफोन है, साइबर फ्रॉड मैंने पहले बोला मोबाइल या इंटरनेट इनके द्वारा किया जाता है उसको साइबर फ्रॉड कहते हैं। अभी मैं तो 2-4 बातें बताऊंगा, ज्यादा समय लूंगा नहीं। साइबर फ्रॉड के कुछ टाइप्स, अलग अलग टाइप के साइबर फ्रॉड होते हैं। पहला बोला तो हैकिंग होता है, हैकिंग। अभी हैक शब्द आपको सबको नॉलेजेबल है, तुम सब लोग बोल जाए तो मेरा मोबाइल हैक हो गया। हैक होना क्या, ये हैक होना अलग बात है, कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है वो अलग। लेकिन हैकिंग इतना बढ़ गया अभी अपने देश में, कैसा है जिस तरह से जो अपना आईटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है उसकी तरह हर एक की इन्फॉर्मेशन अपने को देने एकदम ये हो गया है, जरूरी हो गया है। किसी ने भी किसकी इन्फॉर्मेशन मांगी तो अपन दे रहे हैं। उसी हिसाब से ये जो गुना कर रहे हैं, जो गुनेगार है, ये क्या कर रहे हैं, एक समझे चलो मानो बैंक की लिस्ट है, बैंक में किसने किसने कर्ज निकाले उनकी लिस्ट वो प्राप्त कर लेते हैं। उसमें क्या रहता है, उनके जो विटनेस लोग रहते हैं उनके नाम दे रहते हैं। फिर ये हैकर ये क्या करते हैं, कहते हैं मेल भेजेंगे। हैक करना क्या, तुम्हारे कंप्यूटर में एक आधे मेल भेजना या वायरस, वो मेल के जरिए वायरस स्प्रेड करते हैं। तुमने जैसी फाइल ओपन की तुम्हारी पूरी मालूम, तुम्हारा पूरा डेटा वो हैकर के पास जा रहा है। हैकिंग इसको बोलते हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है अभी हैकिंग हैकिंग है। दूसरा प्रकार रहता है फिशिंग। अपन जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते, मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते, उसके ऊपर से ये शब्द आया है फिशिंग। जैसे अपन मछली पकड़ते ना उसको फिशिंग कहते हैं, वैसे ये फिशिंग है। फिशिंग यानी कैसे, अपन मछली पकड़ने के लिए कुछ दाने डाल रहे वैसे है ना। तुम्हारा आपको हर एक को ऐसा मैसेज आता होगा, लॉटरी लग गई, आप इतना विन हो गए, आपको कार लग गई, फिर आपको इतना इतना पैसा देना है। फिर आप लोग क्या करते हो, वो बुलाव में आके अपना OTP शेयर करते, फिर उसके जरिए से आपका पूरा अकाउंट नील हो जाता है। फिर आप लोग वहाँ पे बहुत हैकर हो जाते हो। अभी आपके सामने ये हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है। अभी भी बहुत लोग है ऐसा कि ये दीवान मान से जितना आने जो स्टैंडर्ड एरिया है, ये दीवान मान से सबसे ज़्यादा प्रकार इधर हमें दिखाई दे रहे हैं साइबर के। सबसे ज़्यादा यानी जो पड़े हुए लोग है वही फंस रहे, जो अनपढ़ लोग है उसमें फंसी नहीं रहे। फिशिंग में ना आपको कहा जाता है, लॉटरी लग गई, आपको कार लग गई तो आप उसमें आ जाते हो। दूसरी और एक बात, MSEB का बिल आपका पेंडिंग है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है, MSEB का बिल है आपका, MSEB बिल भर दो तो आपकी बिजली कट जाएगी। फिर आप लोग बोलिंग पे जाके पैसा भर रहे हो तो उसके तरह से वो सब आपका अकाउंट पूरा रिकवर करते जा रहे हैं। तो आपने को ये चीज़ों से संभाल के रहने का, ये हुआ फिशिंग। तीसरी बात ये कि डेटा थे, अभी चोरी, ये चोरी का प्रकार है। ये कैसा करते हैं, पेन ड्राइव तुम्हारे इसमें लगा दिया, उसमें से वायरस चला गया, तुम्हारे पूरा सॉफ्टवेयर का डाटा चुरा लिया। अभी सीढ़ी तो ज्यादा करके बंद ही हो गई, अभी तो बहुत अलग अलग फंक्शन आ गए। लेकिन पहले जो सीढ़ी पर डाली, सीढ़ी के जरिए से भी अपन डेटा सेव कर सकते हैं, तुम्हारी पूरी प्रोफाइल हैक हो सकती है। तो जितना अभी ज्यादातर तो लड़कियां बैठी है, उनको मेरा यही निवेदन रहेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम आप सब यूज कर रहे, ऐसा एक भी नहीं होगा ऐसा कुछ छोड़े तो यूज नहीं करते होंगे। लेकिन फेसबुक की प्रोफाइल ब्लॉक करना सीखो, तुम्हारी प्रोफाइल कोई भी इसी तरह से पढ़ ना सके, ये आपका पहले देखना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, हैकिंग में फेसबुक भी हैक हो जाता है। आपका फेसबुक हैक, आपका प्रोफाइल फोटो लगा लिया किसी ने, वो किसी और ने, और एक आधे पर्सन से यानी आपको शिकार बना के एक आधे जेल से वो चैटिंग कर रहा है, उसको लगता है कि ये चैटिंग कर रहे मेरे साथ, वो अलग उसका खुश हो रहा है। फिर ये बोलते कि आपने को शॉपिंग करनी है, मुझे इतने इतने पैसे लग रहे हैं, ये बंदा दे रहा है उसको। ये क्या होता है, आपकी प्रोफाइल कभी भी लॉक करना सीखो। दूसरा इंस्टाग्राम यूज करते भी आपकी प्रोफाइल लॉक ही होना। हमने कहते कि ये सोशल मीडिया आप यूज मत करो, लेकिन इसमें इतने धोखे हो गए कि वो धोखों को कंट्रोल करना अभी पार्लियामेंट को भी समझ गया है कि उसमें कितना करोड़ रुपए लोगों के चले गए और रिवर्स आने के चांसेस भी नहीं, इतने लोग उसमें फंस गए, यानी पैसे रिवर्स आने को बहुत तकलीफ हो जाती है उसमें। तो सबसे पहले लड़कियों को निवेदन है कि अपना फेसबुक प्रोफाइल लॉक रखें, इंस्टाग्राम जो वाटे और जो सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है इनमें सब आप उपाय करके अपनी प्रोफाइल लॉक करना सीखो। आपने कभी लॉक नहीं किया तो वो हैक होने वाली है। उस दिन आपका हैकिंग का इम्पोर्टेंस ही उसका जो है डेफिनेशन तब उस दिन आपको समझ में आने वाला है। जेंट्स को भी यही है, जो अभी बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए इनको मेरा फ्रेंड इसमें देखो पहले कि
फेंक क्या, यानी सब लड़के ही दिख रहे तो वो फेंक है, उतना तो समझ जाओ। नहीं तो होगा क्या कि वो बोलेंगे वहाँ से वीडियो कॉल करो, तुम वीडियो कॉल करने के लिए तैयार, वो अलग ही फिर पिक्चर हो जाती है, तो तुम डर जाते हो, इतना डर जाते हो, फिर आपको फोन आने लगते हैं। उसको चौथा प्रकार कहा जाता है फ्रॉड पास, आपको फोन आने लग जाते हैं कि हम CBI ऑफिसर से बोल रहे हैं, आपने ऐसा ऐसा क्राइम किया है, हम मुंबई से बोल रहे हैं, आप तुरंत इतना पैसा भेज दो तभी इसका डिलीट होगा, और आपके फ्रेंड को वो जाता भी है। इस वक्त क्या करने का, फेसबुक में एक रिपोर्ट करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे तुरंत लिख दो माई प्रोफाइल इज हैक, तो वो आपने दो चार लोगों को गए, दो चार फ्रेंड लोगों को गए, तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक होने वाले। और ऐसा कुछ होता है तो तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करो, वहाँ पे आने के बाद हमारे पास हर एक सिस्टम के कोड दिए, हम कोड देंगे, आपने इन्फॉर्मेशन उसमें सबमिट की, वो चार घंटे के अंदर ब्लॉक हो जाने वाला है। तो सबसे पहले है कि आपको सिक्योर रहना है, आप सिक्योर रहेंगे तो देश सिक्योर रहेगा, अपने से ही शुरुआत करने की। कभी भी किसी को OTP पहले देखो, कल मैंने एक प्रोग्राम लिया LNT में, वहाँ पे जो ऑनर थे उन्होंने उनका किस्सा बताया कि मुझे मैं एक फोन आया कि मैं आपका मामा बोल रहा हूँ, बोले उसको लगे कि मेरे मामा ही बोल रहे, आवाज भी वैसी थी, वो वॉइस फ्रॉड, वो एक अलग प्रकार, वो आवाज भी सेम थी कि मुझे ऐसे ऐसे पैसे लग रहे लेकिन मेरे पास 20,000 पड़े, मैं काम करता हूँ, बोले आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ, मैसेज भी आता है कि आपके अकाउंट में वो पैसे डेबिट हो गए, वो मैसेज भी आता है, मैसेज आने के बाद वो देखते कि मेरे अकाउंट में 20,000 आए, फिर और आधे घंटे के बाद फोन आता कि मुझे 50 लग रहे, मैंने जो 20 दिए थे वो 20-30 तुम्हारी तरफ से दो, 50,000 रुपये मुझे दे दो। तो एक आदमी क्या, अभी तुम्हारे में से यानी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं लेकिन आपके माँ बाप के पास रहते हैं, आपके साथ ये प्रकार नहीं हुआ होगा लेकिन आपके मम्मी पापा के साथ हुआ ही होगा, 100% हुआ होगा। तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि 50,000 मेरे मामा ने मांगे थे, लेकिन वो बंदे ने जो ऑनर थे उन्होंने एक अच्छा काम किया, उनके मम्मी को कॉल किया।